हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने बच्चों कल इंट्रो क्लास करी थी मैथ्स की, ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। जैसा हमने कल आपसे बोला था कि हम लोग नंबर सिस्टम से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर सिस्टम को फिनिश बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल में, डेप्थ में, ठीक है। देखिए, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, चाहे वो जो भी चैप्टर हो, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा, लगातार देखिएगा, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, कॉन्सेप्ट होते हैं, वही आपको एग्जामिनेशन में पीछे ले आते हैं, ठीक है। और बच्चे क्या समझते हैं कि हाँ चलो ये छोटी चीज़ है या नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं अच्छे लेवल के, वो तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको बेसिक नॉलेज पता हो, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता हो एक से एक, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं, तो आपके दो तीन दिन इसके क्या चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चंस, जैसे मैं क्या करूंगा, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स को समझाने के बाद फिर आपके क्या चलेंगे, क्वेश्चंस चलेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, उसका एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे चलते चलते चलेंगे। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने आप को वीडियो में लगातार अंत तक बना के रखना है, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूटी बना के रखिएगा, ठीक है, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो मैं जैसे बात कर रहा हूं यूपी टेट की, ठीक है ना, यूपी टेट 2021 की बात करूंगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हम किसकी बात करने वाले यहां पे, नंबर सिस्टम। किसकी बात करने वाले बच्चा, नंबर सिस्टम। किसकी बात करेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, नंबर सिस्टम, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, आपको समझ के चलना है, ठीक है, संख्या पद्धति। अब समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी देखो चैप्टर का नाम से ही पहले समझो, चैप्टर के नाम से नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, नंबर का सिस्टम नंबर सिस्टम कहलाता है। लेकिन आपको पहले यह समझना जरूरी है कि नंबर, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि कल को आप टीचर बनोगे, फिर वही बात, अपने आप को बिल्कुल वो समझ के चलिए कि बच्चा हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है, ठीक है। कल को आप टीचर बनोगे, आपसे आप नंबर सिस्टम बच्चों को बताओगे नंबर क्या होता है। हाँ, क्लास छोटे छोटे बच्चों को आप ये होता था, नंबर देखो 1 2 3, ये मतलब आप बताओगे, कहेगा व्हाट इज नंबर, आपसे पूछेगा व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे बच्चे को, तो समझते हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट इज नंबर। तो बच्चा नंबर क्या चीज होती है, सबसे पहले हम नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक चीजें क्लियर करके तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। देखिए नंबर क्या होता है, मैंने क्या पूछा, व्हाट इज नंबर, नंबर मींस क्या होता है, संख्या, कि संख्या क्या चीज होती है, संख्या आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, कमेंट में लिख के बताइए व्हाट इज नंबर। तो देखिए नंबर क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। नंबर इज नथिंग, नंबर इज अ वर्ड, नंबर क्या होता है, एक संख्या, नंबर एक शब्द होता है, नंबर एक शब्द होता है, या एक सिंबल होता है, सिंबल मतलब होता है प्रतीक, प्रतीक होता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ नंबर होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का एक समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज को काउंट करने के लिए, किसके लिए बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट चीज को काउंट करने के लिए। तो ऐसे सिंबल या ऐसे वर्ड या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर। तो सबसे पहले आपको यही चीज समझना जरूरी है। तो क्या क्या समझ लोगे, कि नंबर इज अ वर्ड, और मैं बता रहा हूं अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा दावा है आपसे, क्या, कि आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही तेजी से कर पाओगे, बहुत ही तेजी से, क्योंकि कभी कभी आप पता है यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्या है, जैसे आपसे पूछ ले डायरेक्ट, आपसे कभी कभी पूछ ले व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, या कोई एग्जांपल दे देगा आपसे, चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से पिकअप करो, छाटो, इसमें से बताओ कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा इंटीजर है, ठीक है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है,
तो आप क्या करोगे? जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया ना, इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पे एग्जामिनेशन भी ऐसे डायरेक्ट पूछेगा। तो आप कब बता पाओगे? जब आप उन टर्म्स के बारे में समझोगे, जानोगे। इसलिए उन टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल करेंगे विद इन सेकेंड, ठीक है। लेकिन पहले उसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नंबर क्या होता है? तो नंबर इज अ वर्ड, मैंने क्या बताया, नंबर इज अ वर्ड, नंबर इज अ वर्ड, ठीक है। नंबर एक क्या है? संख्या है। और सिंबल, सिंबल, ठीक है ना, या क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, या शब्दों का क्या होता है, एक समूह होता है, ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कई शब्दों से मिलके बना होता है, ठीक। किस लिए यूज करते हैं वर्ड? यूज्ड टू काउंट डिफरेंट थिंग्स, यूज्ड टू काउंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। नंबर क्या होता है? एक शब्द होता है, एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट थिंग को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 1 2 3 4, ठीक है, मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4, तो आप क्या कहोगे, एक क्या है, एक ये नंबर है, क्या है, नंबर है, क्या बोलोगे, एक नंबर है, एक संख्या है। या मैं केवल एक बोलूं, वन बोलूं, तो ये भी क्या है, एक संख्या है। तो हमने क्या बोला, इट इज अ वर्ड, एक एक शब्द है, संख्या है, वन, ठीक है। और ये क्या है, इसको भी आप क्या बोलेंगे, एक संख्या ही बोलेंगे, बात समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, और ये क्या है, वर्ड है, ठीक है ना, वन, ये क्या है, 1 2 3 4, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, नंबर कहते हैं। तो ये चीज होता है। आइए, जब इस बात को आप समझ गए नंबर क्या होता है, तो अब आपसे मैं पूछता हूं डिजिट क्या होती है। डिजिट, देखा, डिजिट मतलब होता है अंक, सॉरी, डिजिट क्या होता है बच्चा, अंक होता है। डिजिट क्या होता है, अंक। चलिए बताइए, व्हाट इज डिजिट, डिजिट क्या होती है, डिजिट। सभी मेरे साथी जो होंगे वो आंसर देना स्टार्ट कर दिए होंगे, सभी बच्चे क्या होंगे, आंसर देना स्टार्ट कर दिए होंगे, सर 0 से लेकर 9 तक जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंक, यानी कि डिजिट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, डिजिट कहते हैं। 0 से 9 तक के जितने भी नंबर होते सबको क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। जैसे 1 क्या है, एक डिजिट है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हम लोग इसको बात समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1 2 3 4, ये क्या है, ये सब क्या है, डिजिट है, एक नंबर है। और जो हमारी नंबर के लास्ट में जो नंबर लिखा, जो पूरी डिजिट की जो लास्ट डिजिट है, ये जो पूरा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है या क्या है, नंबर है। तो नंबर के जो लास्ट की डिजिट है बेटा, बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकाई का अंक। क्या कहते हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक, हिंदी में इकाई का अंक, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस। क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस, ठीक है ना, इकाई का अंक। अब देखिए कितने बच्चों को ये सारी बातें पता होंगी, लेकिन कुछ होंगे जिनको बेसिक बातें आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि पता है अभी जब हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, तो लास्ट बीच में आएगा कि आपको यूनिट प्लेस फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं, अभी मैं आपको बता तो रहा हूं, 0 से पूरा आपको कहते हैं ना हीरो बना दूंगा, ठीक है, हीरो तक चलेंगे हम लोग, यानी कि 0 से लेकर के पूरा हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यूपी टेट, नहीं यूपी टेट, सी टेट, यहां तक कि सीएचएसएल तक का भी आप एग्जाम दीजिए, ठीक है, सीजीएल, यूपीएसआई, आप किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिए, आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनने लग जाएगा, ठीक है। तो एकदम समझते हैं डिटेल में कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखो जैसे मैं आपसे बोल दूं 2 की पावर 9, ऐसे कर दिया, चलो बताओ इसके जो लास्ट जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा, यानी यूनिट प्लेस का डिजिट बताओ। अब आप ऐसे कहोगे अच्छा ये है, फिर 2 की पावर 9, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर बताओगे। और इसको कैसे करते हैं वो आपको सेकंडों में करना है, क्योंकि वहां पे टाइम तो होता नहीं है, ठीक है, बहुत कम टाइम होता है। तो इसलिए हम लोग सीखेंगे इसको डिटेल में, समझेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है कहानी, अब क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं क्या, इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है।
इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, बहुत तगड़ी नोट्स बनेगी आपकी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, ये थोड़ी बेसिक थी इसलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए नंबर सिस्टम हम लोग बात करते हैं, जैसे कई इसमें बच्चे होंगे, ठीक है, कई हमारे साथी होंगे जो ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ बातें तो पता ही नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर क्या होता है, ये सब बातें आपको कई बच्चों को आ रही होंगी, कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा, कई बच्चों को आ नहीं रहा होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसके बाद आपको जब से आप पढ़ रहे होगे सिक्स क्लास सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, जितनी भी कंफ्यूजन होगी सारी कंफ्यूजन आज के आज अभी देखो क्लियर हो जाएगी एक फ्रेम के अंदर, देख लेना, ठीक है। चलिए आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा उनको आ जाएगा, जिनको कंफ्यूजन होगी 100% क्लियर होगा। देखिए नंबर सिस्टम की बात करते हैं बच्चा, तो जो पूरा पूरा नंबर सिस्टम है हमारा ना, नंबर सिस्टम ये पूरा यूनिवर्स है, जैसे यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं, पूरा पूरा ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर क्या है, ढेर सारे आपके क्या है, प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स में क्या है, उन ढेर सारे प्लैनेट्स में एक प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, अंदर गए उस प्लैनेट में अर्थ है, अर्थ में क्या है, अर्थ पे पूरी पूरी कंट्री है, ओशियंस हैं, ठीक है ना, उसमें क्या है, उसके अंदर जाओ कई ढेर सारी कंट्री हैं, उस कंट्री में एक कंट्री है, कई कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स में एशिया कॉन्टिनेंट में आप रहते हैं, ठीक है, एशिया में कहां रहते हैं, एशिया में आप इंडिया नाम का एक कंट्री है उसमें रहते हैं, और इंडिया में कहां रहते हैं, यूपी नाम का एक स्टेट है, यूपी में कहां रहते हैं, इलाहाबाद में, ठीक है ना, प्रयागराज में। तो इसी तरीके से हमारा नंबर सिस्टम क्या है, यूनिवर्स है। अब इसके अंदर चलते हैं, जैसे मैंने आपको हायरार्की समझाई है। देखिए नंबर सिस्टम जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है बच्चों, किन चीजों से, दो चीजों से मिलकर बना होता है, समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार बोलेगा कंपोजिट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझनी है। देखिए नंबर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, दो चीजें क्या है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और जो दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। देखो रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्याएं, क्या बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, वास्तविक संख्याएं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्या, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या मतलब समझते हो ना, देखो मैं समझाता हूं, देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब देखो नाम से पकड़ो बात को, रटना नहीं, मैथ्स कभी भी उसको सोचना नहीं कि रट लेना, समझना, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दूंगा, मैथ्स एकदम बिल्कुल तगड़ी हो जाएगी आपकी। देखिए रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब इसका नाम सोचो रियल क्यों पड़ा होगा, क्योंकि ये रियल में है, ऐसे नंबर जो रियलिटी में है, ठीक है, जिनका हम यूज डेली टू डेली लाइफ में करते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या वास्तव में है, और ये क्या है, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि जिनकी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, वी कैन इमेजिन ओनली, और कुछ नहीं कर सकते, इनका डेली लाइफ में यूज नहीं है, केवल हम लोग एकेडमिक नॉलेज के लिए इसको पढ़ते हैं, क्लास इलेवेंथ का टॉपिक है ये, अभी मैं बताता हूं। तो ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या, इनकी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, ठीक है, तो दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो रियल नंबर की बात करेंगे, रियल नंबर की बात करने से पहले हम बात करते हैं किसकी, इमेजिनरी नंबर की, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना समझ लीजिएगा, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं आपको, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं इमेजिनरी नंबर, जैसे मैं आपसे बोलूं माइनस अंडर रूट माइनस रूट, अंडर रूट माइनस टू, मैंने क्या बोल दिया आपको, अंडर रूट माइनस टू, अब ये बोल दिया, ठीक है, मैं आपसे बोल दूं अंडर रूट माइनस वन, क्या बोल दूं मैं आपसे, अंडर रूट माइनस वन, तो ये सब क्या है बच्चा, इमेजिनरी नंबर्स हैं। कभी आपने मैथ्स में इसको यूज करते हुए, कहने का मतलब है, कभी आप इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं क्या, माइनस रूट वन या माइनस रूट टू, नहीं ना, ये केवल इमेजिनरी के लिए है, इमेजिन कर सकते हो आप इनको,
अगर आपको चेक करना है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वास्तव में ऐसा कोई नंबर नहीं है, एरर बताएगा। आप क्या करना, अभी प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबके पास कैलकुलेटर होगा, वो वाला नहीं तो मोबाइल में तो कैलकुलेटर होगा ही। कैलकुलेटर ओपन करिएगा। क्या करिएगा, कैलकुलेटर ओपन करने के बाद उसके उसमें क्या करिएगा, अंडर रूट माइनस वन करिएगा या अंडर रूट माइनस टू करिएगा, ठीक है, या मतलब कि अंडर रूट में माइनस लगा के कोई भी नंबर डालिएगा। आपका पता है कैलकुलेटर क्या बताएगा, एरर। क्या बताएगा, एरर। क्या बताएगा, एरर। करके देख लीजिएगा प्रैक्टिकल, तब आप बताइएगा क्या बताएगा, एरर। क्यों बताएगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी जानता है कि वो केवल किस पे काम करता है, रियल नंबर के बेस पे काम करता है, इमेजिनरी नंबर के बेस पे काम नहीं करता कैलकुलेटर आपका, क्योंकि वो है ही नहीं, तो क्या बता देगा, एरर। करके देखिएगा, ठीक है, मजा आएगी आपको, मैथ्स बता रहा हूं, मजे मजे के साथ आप मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, सीधी सी बात है बच्चों, तो मैं यहां बता दूं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर माइनस के साथ लिखा है तो वो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इनको मैं बता दूं, जो इमेजिनरी नंबर होता है वो शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम क्या देते हैं इसी को हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोले तो समृद्ध संख्याएं, समृद्ध संख्याएं या समृद्ध संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या, ठीक है। अब देखिए, समृद्ध संख्या में जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, आयोटा, आई ओ टी ए, आयोटा। ये क्या होता है बच्चा, आयोटा, ठीक है। आयोटा मतलब होता है इमेजिनरी, आई ओ टी ए, ठीक है, आयोटा होता है। तो आइए इस बात को हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जो इस फॉर्म की होती है, देखिए अब ये रूट माइनस वन है ना, रूट माइनस वन है, तो आयोटा, देखिए आयोटा का आई उठाइए, क्या उठाइए, आई। तो आई इज इक्वल टू जो होता है वो होता है अंडर रूट माइनस वन। क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। अगर हम क्या कर दें, आई स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, आई स्क्वायर कर दूं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है आई स्क्वायर की कितनी होती है, माइनस वन। क्यों, क्योंकि आपको पता है दोनों साइड का स्क्वायर करो, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बचेगा, ठीक है। वही चीज देखिए मैंने यहां लिखी है, समझिए बात को। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में पहचानने के लिए, चार ऑप्शन दे दिया, बताओ, पूछेगा वो कौन कौन सी समृद्ध संख्या है, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। समृद्ध मतलब मिश्र, मतलब होता है मिश्रण, सम मतलब होता है संख्या का, यानी ऐसी कोई संख्या जो जो एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा संख्याओं के मिश्रण से बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं समृद्ध, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, बात समझ गए। जैसे मैं आपसे बोल दूं माइनस रूट टू बोला, ठीक है, माइनस रूट टू का मतलब क्या है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर माइनस रूट टू को हम क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है फॉर्मेट, समझिएगा, माइनस वन अंडर रूट, ये होता है, ठीक है। माइनस रूट टू को हम माइनस वन इंटू टू कर सकते हैं, ये कहानी हमने कर दी, तो सीधी सी बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू अंडर रूट टू, बोलिए, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस माइनस रूट वन की वैल्यू कितनी है, कितनी है, आई है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, कैसे, किस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे टू आई के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट लिखते हैं, टू आई के फॉर्मेट में। तो यानी कि जहां पर किसी नंबर के साथ आई का फॉर्मेट आ जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, समृद्ध संख्या या काल्पनिक संख्या है। और अगर इतना समझाने के बाद मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट बताऊं, तो जब इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है बच्चा, वो जो जनरल फॉर्मेट होता है इसका, होता है ए प्लस आई बी। क्या होता है, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ठीक है। जहां पे ए क्या है हमारा, कोई रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर होता है। बी भी क्या होता है हमारा, रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर। जहां ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और आई क्या होता है हमारा, अंडर रूट माइनस वन। देख लीजिए, जैसे मैं बात करूं इसकी, जैसे मैं बात करूं किसी नंबर की, जैसे मान लो आपसे पूछ दिया 5 प्लस 3 आई, क्या पूछ दिया, 5 प्लस 3 आई, तो अब एक बात बताइए, 5 क्या है, एक रियल नंबर है, 3 क्या है हमारा, 3 क्या है, एक रियल नंबर है, तो ए और बी हमारे रियल नंबर होते हैं और आई क्या होता है हमारा, इमेजिनरी नंबर, बात समझ गए। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं, आपको क्या करना है बच्चा, पहचानना है, ठीक है, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको पहचानना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं माइनस रूट, मैंने आपसे बोला
माइनस रूट फाइव, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे नंबर्स, माइनस रूट फाइव दे दिया, ठीक है, रूट थ्री दे दिया, हाँ थ्री प्लस फोर आई दे दिया, ठीक है। और एक ऑप्शन और दे देते हैं, एक ऑप्शन और दे देते हैं, यहाँ देता हूँ मैं रूट फाइव प्लस फोर आई। देखिए इसमें से बताइए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो सीधी सी बात है, आप देख रहे हो कि इस रूट थ्री को छोड़ के बाकी सभी कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि देखो ये जनरल फॉर्म से मिल रहा है इससे, ठीक। और ये रूट फाइव मैंने आपको बताया, देखो इससे, ये समझ पाए बात को। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना आ गया, ठीक है। तो आपका समझ लीजिए, अगर बेसिक लेवल से क्वेश्चन बना, ठीक है, कि आप छाटिए कि इसमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप पक्का इसको बना लेंगे, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा नंबर सिस्टम से, ठीक। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं, ये तो एज अ एग्जाम्पल था, हम इसकी बात करते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ली, बस इतना ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको बस पहचानने के लिए आता है और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिटेल में ये क्लास इलेवेंथ का टॉपिक रह जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, रियल नंबर की बात करते हैं बच्चे। तो देखो अब जो चीज वास्तव में है, जो चीज नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा ही होता है, और जो चीज वास्तव में है उसमें देखो कितनी ढेर सारी चीजें होती हैं। तो आइए समझते हैं रियल नंबर। देखो बच्चा, रियल नंबर अगेन दो चीजों से मिलकर बना होता है, अगेन दो चीजों से मिलकर बना होता है, किन चीजों से बच्चा, दो चीजों से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। कहोगे सर कौन कौन से रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो होता है वो रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं बच्चा, परिमेय संख्या, ठीक है। और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं बच्चा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरिमेय। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, पहचानना बहुत जरूरी बता रहा हूं, आपसे डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब तो आप बता पाओगे क्वेश्चन भी, इसलिए खूब अच्छे समझिए रेशनल नंबर क्या होता है। आइए देख लेते हैं, देखिए ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकें, क्या ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकें, लेकिन जो हमारी q की वैल्यू हो वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, जो q की वैल्यू है जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और जो p और q हैं ये इंटीजर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। आपको सर ये इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स को हिंदी बोलते हैं पूर्णांक, हाँ पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा हमें माफ करिएगा, ठीक है ना, हिंदी थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी बहुत गलत मैं बोल दूं, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से हिंदी थोड़ा सा बताया ना, हाथ तंग है। देखो जिसको क्या बोलते हैं बच्चा, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक की बात है, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, ठीक है। अभी पूर्णांक क्या होता है अभी हम इसके नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको ये होता है रेशनल नंबर, और इरेशनल क्या होता है अभी हम इस पे आते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं टैकल करते हैं। देखो बच्चा रेशनल नंबर अगेन कई चीजों से मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर अगेन कई चीजों से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं पहला, किसकी बात करूं पहला, तो जो रेशनल नंबर होता है वो मिलकर बना होता है सबसे पहले नेचुरल नंबर से, किससे, नेचुरल नंबर, किससे बच्चा लोग, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है, वो कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल वो होती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि जो किससे शुरुआत हो, 1 से शुरुआत हो, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हम बात करें काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, अब जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्याएं। अगर आपने नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया, किसको इंक्लूड कर लिया बच्चा, जीरो को, 1, 2, 3 एंड दैट इज सो ऑन, तो क्या बन जाता है, होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग बात करेंगे होल नंबर, होल नंबर के बाद किसकी बात करेंगे, होल के बाद आता है बच्चा लोग इंटीजर, आ गया देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अगर आप क्या करिए, होल नंबर में माइनस वाले नंबर्स को भी ऐड कर लीजिए, आपको एक बात पता होगी नंबर लाइन, क्या पता होगी, नंबर लाइन, जैसे 0, हाँ 1, 2, 3 चलते चले गए इनफाइनाइट तक,
यहां माइनस वन माइनस टू चलते चले गए कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम जितने नंबर्स को, जो जो नंबर्स नंबर लाइन पे डिनोट होते हैं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये नंबर लाइन, तो इसमें देखिए माइनस वाले भी इंक्लूड करो, जीरो भी करो और वन टू थ्री भी करो, पॉजिटिव वाले नंबर्स भी, तो सबको मिला करके क्या बनता है हमारा पूर्णांक, क्या बनता है पूर्णांक, ठीक है। यानी यहां हो जाएगा डेड एडेस माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड डेड सो ऑन, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज छूट रही है, यानी कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है रेशनल, और रेशनल और इरेशनल को मिलाते हैं क्या बनता है रियल नंबर, रियल और इमेजिनरी को मिलाते हैं तो क्या बनता है नंबर सिस्टम। तो आइए समझ लेते हैं, एक चीज और है इसमें हम बात करने वाले डेसिमल नंबर्स। जितने बच्चा लोग डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स जितने होते हैं दशमलव संख्याएं, उनको भी मिला लेते हैं तो हमारा ये कंप्लीट होता है क्या, रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, दशमलव संख्याएं। अब हुआ करते हैं बच्चा इरेशनल नंबर, ये इतने चीज को क्या बनता है, इतने चीज को मिलाते हैं तो बनता है हमारा रेशनल। उसके बाद बात करते हैं किसकी, इरेशनल की, ठीक है। इरेशनल क्या होता है बच्चा, देखिए इरेशनल को पहचानने का बस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत तगड़ी ट्रिक, ठीक है, सारी ट्रिक भूल जाओ, बस एक ट्रिक पकड़ के रखो, क्या एक ट्रिक बस पकड़ के रखो, काम बन जाएगा आपका। क्या पता है इरेशनल नंबर पहचानने की एक ट्रिक है, ऐसे डेसिमल नंबर जो क्या हो, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब जो कभी खत्म, यानी जो कभी समाप्त ना हो, और नॉन रिपीटिंग जिनकी कभी पुनरावृत्ति भी ना हो, रिपीट मतलब दोहराना, जो खत्म भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, बस यही एक ट्रिक, यही एक आप ट्रिक अपना के रखना, जहां भी आपसे पूछे इरेशनल नंबर बताओ कौन सा है इसमें से, तो तुरंत एक बात ध्यान रखना, बाकी दुनियादारी मत ध्यान रखना, क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है कि नहीं, अगर ये है तो इरेशनल, अदरवाइज इसको छोड़ के बाकी जितनी चीजें होंगी सब क्या होंगी, रेशनल में आ जाएंगी। बात समझ गए, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं वन बाई थ्री ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, आप करके देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, डिवाइड करिए, थ्री से वन को आप डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, पॉइंट बार, जीरो हुआ, थ्री थ्री जा क्या होता है नाइन, कितना बचा वन, जीरो अपने आप हुआ, थ्री थ्री जा क्या होता है नाइन वन, फिर क्या होता है थ्री थ्री, फिर जीरो इंक्रीज हुआ, थ्री थ्री जा क्या होता है नाइन, बताओ ये थ्री 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 चलता चला जाएगा कि नहीं चलता चला जाएगा, कभी खत्म होगा ये, कभी टर्मिनेट होगा नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा यहां पे एक नंबर को रिपीट कर गया, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर में आ जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नहीं लेंगे, ये किसकी कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये रिपीट कर गया तो ये इस कैटेगरी को फॉलो नहीं किया, यानी कि वो फॉलो नहीं किया, तो मैंने क्या ट्रिक बताया कि तुरंत का तुरंत किस में आ जाएगा, रेशनल। तो हम कुछ नंबर ऐसा लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं पाई, 22/7, ठीक है पाई 22/7, मैं बात करूं पाई की वैल्यू सबको पता है, मैं आप बात करूं आपकी रूट टू, ठीक है रूट थ्री, ये सब क्या है इरेशनल नंबर है, क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है, जो क्या हो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। जैसे आपको बता दूं जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, लोग ऐसे यूज कर लेते 22/7, तो 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, पता है देख लो, 7 से 22 को डिवाइड करिए, अभी देखो आपको क्लियर होगा, 7 3 या 21, हाँ अब 2 में से 1 गया कितना होता है 1, पता है डेसिमल बार गया 10 आया, तो 7 1 जा क्या होता है 7, कितना बचा 3, फिर 0, तो
कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। ठीक है, अब फिर क्या हो गया, 0 इंक्रीज हुआ, अब फिर 2 बार गया, यानी कि 3.14237 ऐसे करता हुआ ये चलता चला जाएगा। तो मेरी एक बात बताइए, क्या ये कभी टर्मिनेट होगा? डिवाइड करके देख लीजिएगा आप खुद भी, कभी टर्मिनेट होगा? नहीं, कभी नहीं टर्मिनेट होगा। और कोई नंबर देखो, क्या कोई फिक्स पैटर्न पे रिपीट हो रहा है? क्या ये रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ना समाप्त हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, ना ही ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस नंबर की कैटेगरी किसमें चली गई? इरेशनल में। किसमें चली गई? इरेशनल में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बस तुरंत क्या करना है, पहचानना है। ठीक, पाई, पाई रूट टू रूट थ्री, बात समझ गए, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमने आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्या किए, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिनका यूज हम क्या करेंगे क्वेश्चंस में बार बार आपसे करने को कहेगा, तो आपको ये बात समझ के रखना है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसको आपने लिख लिया, तो देखिए अब समझते हैं हम लोग आगे की चीजें। क्या समझते हैं बच्चा? आगे की चीजें इसमें समझेंगे। मैं आपसे क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, मुझे आप बताइएगा, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं। ठीक है, अब आप इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, बताइए। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करिएगा इसे, ठीक है, बताइएगा। हाँ, रूट 9, रूट 8, रूट 4, रूट 10, ठीक है, फिर मैं आपको देता हूं रूट 13, रूट 36, रूट 16, इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा रेशनल है। फाइंड रेशनल, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल, आपको रेशनल और इरेशनल इसमें से बताना है, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको फाइंड आउट करना है, इतना करिए, फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे अगले टर्न पे, ठीक है, और अगले टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, और चलेंगे हम लोग, अब अपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये तो थी बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें, थोड़ा सा अपने लेवल को और इंक्रीज करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, जाने से पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं, कुछ एक दो बेसिक बातें, क्योंकि अभी यूज होगा। ठीक है, जरा बताइए, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? मुझे पता है कुछ जो हमारे जो कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, हमारे साथी क्या करेंगे, इसका कहेंगे कि सर जो हर है या डिनोमिनेटर है इसमें तो जीरो होता ही नहीं है, हमने तो पूरी मैथ्स पर ही देखा जीरो है ही नहीं। कुछ बच्चे जानते हैं जीरो हो सकता है, ठीक है, तो 1/0 की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इन्फाइनाइट। क्या बोलते हैं? इन्फाइनाइट। क्या बोलते हैं बच्चा? इन्फाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फाइनाइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीजें समझ के चलनी है, ठीक है ना। तो जरा बताइए, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो इस बात को भी समझ के रखना है कि 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्यों, इनफाइनाइट ही क्यों, इनफाइनाइट ही क्यों, ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ के आइएगा, ठीक है, इनफाइनाइट क्यों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सबसे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल, फिर कल का मतलब नेक्स्ट टर्न पे फिर बातचीत करते हैं, ठीक है।